Hello students, welcome back to the channel Biology with Poonam Lakhlaria. As we all know that we have completed our topic that ultrastructure of the fungal cell. So it's time for the self-assessment. अभी जितनी भी वीडियोस में मतलब अल्ट्रास्ट्रक्चर की जो भी हमने पढ़ा है उसमें से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स निकाले हैं मैंने, अपना सेल्फ असेसमेंट करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक क्या है कि वेजिटेटिव सेल ऑफ फंजाई इज डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन, ये मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि कंफ्यूजन क्यों होता था साइंटिस्ट को कि ये प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स में हैं, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा कैरेक्टर है जो कि प्लांट्स का भी शेयर कर रहे हैं हमने साथ में और एनिमल्स का भी शेयर कर रहे हैं। तो अब हमारा जो ये फिलिंदा ब्लैंक है ये क्या कह रहा है कि फंगल सेल जो होती है वो कैसे डिफर है फ्रॉम एनिमल सेल, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि फंगल सेल के अंदर सेल वॉल होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था हमारी फर्स्ट वीडियो में, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो क्या हो गया, कैसे डिफर करता है हमारी फंजाई सेल, इन प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि न्यूक्लियर कैप इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ, हमने बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट पढ़ा था कि न्यूक्लियर कैप जो होती है वो काइटिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काइटिडियोमाइसिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज लेयर्स प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ फंजाई, हमने पढ़ा था कि फंजाई में सबसे पहले क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके बाद में 1, 2, 3, 4 चार लेयर्स होती हैं। जब हम पढ़ रहे थे तो हमने लेयर्स को आउटसाइड से काउंट किया था, लाइक 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन क्या था कि लेयर्स प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ फंजाई, तो लेयर्स कितनी हैं, 4, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंगल माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी इज, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या थी माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी की, हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनिमल में जो होता है उसकी क्रिस्टी ऐसे होती है, ट्यूबुलर शेप्ड होती है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया फंजाई में पाया जाता है फंगल माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसकी क्रिस्टी ऊपर से फ्लैट होती है, ऐसे होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज फ्लैट एट टिप। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज आफ्टर मोस्ट लेयर ऑफ फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो सबसे पहली जो लेयर थी वो अमोर्फस प्रोटीन की बनी हुई थी, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमोर्फस प्रोटीन, ये सबसे मोटी लेयर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइटिन इज प्रेजेंट इन लेयर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, हमने क्या पढ़ा था, आउटसाइड टू इनसाइड, और ये आंसर पूछ रहा है इनसाइड टू आउटसाइड। तो इनसाइड टू आउटसाइड जब हम इसको काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसी में काइटिन पाया जाता है, तो कौन सी लेयर में काइटिन होगा, फर्स्ट लेयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिपिड एंड मेलानिन इज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ फंगस, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि किस फंगस में मिलता है, आंसर इज आर्मिलेरिया, आर्मिलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज फॉस्फोलिपिड बायलेयर ऑफ फंगल सेल इज सैंडविच्ड इन बिटवीन, जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि दो ऐसे प्रोटीन की लेयर होती हैं और उनके बीच में ऐसे लिपिड बायलेयर पाई जाती है ना। तो किसके बीच में है सैंडविच्ड है ये लिपिड की बायलेयर, प्रोटीन, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन लेयर, प्रोटीन लेयर, जो कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिच होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेक्सागोनल न्यूक्लियर पोर फाउंड इन, हेक्सागोनल न्यूक्लियर पोर के लिए डायरेक्ट हमारा आंसर था, क्या आंसर था कोई बताएगा, शाबाश, थ्रेस्टोथिका, थ्रेस्टोथिका। ठीक है, थ्रेस्टोथिका क्लेवाटा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज रिंग्स ऑफ डिक्टियोसोम्स आर फाउंड इन, इसका डायरेक्ट आंसर हमने बताया था क्या था, किस में मिलता है, राइजोपस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज लॉब्स, नेक्स्ट क्वेश्चन
Next, fill in the blank is lomosomes are found in, and the answer is Pythium. And next fill in the blank is Voronin bodies are found near. तो हमने पढ़ा था कि वोरोनिन बॉडीज जो होती हैं वो सेप्टल पोर के पास में पाई जाती है। कहाँ मिलती है? सेप्टल पोर में। एक्चुअली सेप्टल पोर में ये ऐसे होती हैं, अधिकतर उन स्पीसीज में मिलती हैं जहाँ पे मल्टी न्यूक्लियस होता है। तो मल्टी न्यूक्लियस में क्या होता है कि जिससे कि न्यूक्लियर लोड जो है वो हर सेल में लगभग लगभग इक्वल सा रहे, एक्सेस ना हो जाए, न्यूक्लियस ऐसे रेंडमली ना आसपास आ जा सके। तो यहाँ पर सेल्स के अंदर उस चीज को रोकने के लिए ना वोरोनिन बॉडीज पाई जाती है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और वोरोनिन बॉडीज का काम क्या होता है कि अगर मान लो कहीं हाइफी में कोई इंजरी हो जाती है तो वहां पे जाके ये उसको हील करते हैं, बिल्कुल ऐसे काम करती हैं जैसे ह्यूमंस में प्लेटलेट्स का काम होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी? वोरोनिन बॉडीज आर फाउंड नियर सेप्टल पोर। तो आई होप आपको अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल के अंदर जो ये कुछ क्वेश्चंस दिए थे सेल्फ असेसमेंट के लिए वो आपने बहुत अच्छे से किए होंगे। अगर 1% नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, एकदम से वीडियो देखने के बाद भी एकदम से चीजें नहीं लर्न हो जाती हैं। आप वीडियोस को ठीक से रिवाइज कीजिए, जब आप वीडियोस को देखते हैं पढ़ते हैं तो उनके साथ साथ में ना उनको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं चीजों को तो वो बहुत अच्छे से दिमाग में याद जाती है। कोशिश किया कीजिए जब आप नोट्स बना रहे हैं वीडियो से देख करके लिख रहे हैं तो आप उन चीजों को इमेजिन करें दिमाग में, तो भी चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाती है, है ना। तो आई होप आपका ये सेल्फ असेसमेंट काफी अच्छा रहा होगा, नहीं रहा होगा तो कोई बात नहीं है, आप एक बार फिर से वीडियोस को देख लो, फिर से उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो और फिर खुद से इसका सेल्फ असेसमेंट कर लो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। आपको अगर ये वीडियो सही लगी है तो काइंडली डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।